यूनिट ऑपरेशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 5 जो कि हमने थर्ड वीक में जैसे स्टार्ट लिया था, तो हम इवेपोरेशन पे बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली दिस लेक्चर इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने बात की थी इवेपोरेशन के यूनिट ऑपरेशन के बारे में। तो आपको याद होगा उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इवेपोरेशन के कवर अप किए थे। अब हम इवेपोरेटर की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि इवेपोरेटर्स को हम किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। क्लासिफिकेशन में वैसे तो बहुत सारी और टाइप्स हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन और लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, ये दो टाइप्स ही मैंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स हैं इंडस्ट्री में, और अगर आप इन दो टाइप्स का फंक्शन या इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप समझ लें तो बाकी के भी मोर और लेस आपको समझ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो तो एक जैसे ये लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, इसी तरह से एक शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर भी था। अगर आपने लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर का मेन कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं तो वो मोर और लेस थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ अप्लाई हो जाएंगे शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर पे भी। इसी तरह से फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर की एक टाइप है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट टाइप होती है और ये भी काफ़ी यूज़ हो रही होती है इंडस्ट्री में। तो मैंने इसलिए ये दो टाइप सेलेक्ट किए हैं क्योंकि हमें 30-40 मिनट्स में इन दोनों चीज़ों को कवर अप भी करना है। तो हम इन दोनों टाइप्स की जनरल इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, यूसेज एग्जांपल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स की बात करेंगे। तो इसकी हम सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद इक्विपमेंट डिज़ाइन जिसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स वगैरह भी आ जाएंगे कि वो कैसे ऑपरेट करता है, फिर उसकी यूसेज एग्जांपल्स के वो किन किन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स, फिर एडवांटेजेस और एंड पे डिसएडवांटेजेस देखें। अच्छा, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स आर यूज्ड फॉर इवेपोरेशन मोर देन ऑल अदर टाइप्स कंबाइंड बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट पर यूनिट कैपेसिटी। ये बहुत चीप और सस्ते इवेपोरेटर होते हैं, इनका इसकी कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बाकी तमाम दूसरी टाइप्स को मिला के भी ये उन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप का इवेपोरेटर है। बाकी सारे टाइप्स को अगर हम कंबाइन भी करें उनमें तब भी ये इवेपोरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर यूनिट कैपेसिटी ये कम होती है। कैपेसिटी मींस, यूनिट कैपेसिटी मींस के ओवरऑल आउटपुट जो हमारा इवेपोरेटर हमें देगा वो हमारे एक इवेपोरेटर की यूनिट कैपेसिटी होगी। अच्छा, अब देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। एक होता है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर और एक होता है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि फीड की जो हम इंजेक्शन होती है फॉलिंग फिल्म में हम ऊपर से करते हैं फिर वो फॉल होता है, और जो आपका क्लाइंबिंग फिल्म है उसमें हम फीड की एंट्री नीचे से कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो फिर ऐसे क्लाइंब करता है ऊपर की तरफ जाता है। तो दोनों में से फीड की जो इंजेक्शन है उसका डिफरेंस आ जाता है कि आप फीड कहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, टॉप से या बॉटम से। अच्छा, इन बोथ टाइप्स फीड एंटर द इवेपोरेटर थ्रू ट्यूब्स। दोनों में ट्यूब्स, कैलेंड्रिया जिसे हम कहते हैं इवेपोरेटर का वो पोर्शन जिसमें हीटिंग होती है, इज हीटेड एंड पार्ट ऑफ इट इवेपोरेट्स। यानी फीड को हम हीट करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इवेपोरेट हो जाता है उसका, डेफिनेटली जो जो एनर्जी लेते जाएंगे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते जाएंगे। The vapor is then recovered. Vapor को हम ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसको हम रिकवर करते हैं। In climbing film evaporators, the liquid enters at the bottom, while in the falling film evaporators,
दी फीड एंटर फ्रॉम दी टॉप, ये मैंने अभी आपको बताया. दी गिवन पिक्चर इज शोन एज, द गिवन पिक्चर शोज अ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर. ये फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर की पिक्चर है जो कि आप देख रहे हैं. इंडस्ट्री में इस तरह का दिखेगा ये इवेपोरेटर. अच्छा, ये लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर का इक्विपमेंट डिज़ाइन अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें बेसिकली फंक्शनिंग हो, कैसे रही होती है, इवेपोरेशन कैसे होती है. इन क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स फीड एंटर द इवेपोरेटर थ्रू ट्यूब्स इन द बॉटम एंड इज हीटेड बाय सराउंडिंग स्टीम. तो ये ट्यूब्स में फीड होती है और उसका जो शेल होता है बाहर उसमें स्टीम होती है. इट क्लाइम्स अप द ट्यूब्स एज इवेपोरेशन अकर्स. ये देखें, फीड यहाँ से एंटर हो रही है, फीड इधर से एंटर हो रही है बॉटम से, फिर ऐसे ये क्लाइम करके ऊपर से, ये हमारा एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगी होती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यहाँ पे फीड आके टकराएगा और ये वेपर अलग हो जाएंगे. वेपर निकल के यहाँ से, ये वेपर हेड है, ये अलग हो जाएंगे वेपर यहाँ से, और ये जो हमारा लिक्विड होगा वो ये इधर से हम प्रोडक्ट अपना एंड आउट कर लेंगे. और ये देख रहे हैं आप, शेल में हम स्टीम दे रहे हैं और उसके फिर वो स्टीम कंडेंस होने के बाद बाद में कंडेंसेट की फॉर्म में यहाँ से आउट हो रही. ये वेंट दिया हुआ है, बाज़ का पेपर्स वगैरह बन जाते हैं, प्रेशर बनता है तो हम उसको वेंट करने के लिए, उनको उधर से रिलीज़ करने के लिए प्रेशर को ये एक वेंट चलते हैं, ये देते होते हैं. अच्छा, द लिक्विड वेपर मिक्सचर कॉन्टिन्यूज अप दी ट्यूब्स एंड इज डिस्चार्ज इनटू द वेपर हेड. जैसे मैंने बताया ये वेपर हेड है, यहाँ से वेपर डिस्चार्ज होगा. ठीक है, द लिक्विड एंट्रेंड इन द वेपर इज सेपरेटेड बाय अ डिफ्लेक्टर प्लेट. ये डिफ्लेक्टर प्लेट लगी हुई है, वेपर फीड आएगी इधर आके टकराएगी, फीड टकराने के साथ लिक्विड अलग हो जाएगा और वेपर अलग होकर इधर से आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे. द वेपर एग्जिस्ट वेपर एग्जिट्स एट द टॉप से निकलते हैं, फीड एंटर होती है बॉटम से. बाय द लिक्विड इज इधर कलेक्टेड और अलाउड टू फॉल बैक डाउन द ट्यूब्स डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन. बाज़ औक़ात हम उसको नीचे भी आने देते हैं दोबारा वापस, बाज़ औक़ात हम यहाँ से इधर से ही इसको आउट कर लेते हैं. ये डिपेंड करेगा कि उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है. तो ये बेसिकली इक्विपमेंट डिज़ाइन होता है, इस तरह से ये इवेपोरेटर वर्क कर रहा होता है या इसके अंदर फंक्शनिंग हो रही होती है. ये फर्दर डिटेल है इक्विपमेंट डिज़ाइन की. अब हमने ये क्लाइंबिंग फिल्म का देखा था, पिछली स्लाइड में हम फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के बारे में बात करते हैं. अच्छा, इन अ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर फीड एंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इवेपोरेटर. ठीक है, फीड एंटर होगी टॉप, ये डी जो लिखा हुआ है डी, ये तो स्टीम की एंट्री है, लेकिन हमारा जो फीड है ये ए हमारा ये प्रोडक्ट, यहाँ से हमारा फीड एंटर हो रहा है, ये फीड एंटर हो रहा है और ये फीड ऐसे एंटर होती होती नीचे आएगी और ये हमारा वेपर हेड है. ये हमारा ये कैलेंड्रिया है पोर्शन ट्यूब्स वाला जहाँ पे हीटिंग हो रही है. और अगर आप देखें तो ये हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ से वेपर निकल रहे हैं बी, और ये जो सी है ये कंसनट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा आउट हो रहा है सी से. अच्छा, इधर से भी आउट हो रहा है, एक पोर्शन इधर से आउट हो रहा है, दूसरा इधर से आउट हो रहा है. ये डिपेंड करेगा कि कुछ तो इधर से आ जाएगा, कुछ जो रह जाएगा वेपर होंगे मिक्सचर होगा तो वो जाके यहाँ पे अलग होगा. इन अ फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर फीड एंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इवेपोरेटर, इट देन फ्लोज डाउन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द ट्यूब, जो कि अंदर ट्यूब होगी, एज थिन फिल्म. अब ये फिल्म की शक्ल में नीचे आ रहा होता है, एक सरफेस तय बनी होती है लिक्विड की, तो वहाँ से ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ आ रहा होता है. एज द फीड ट्रैवल्स डाउन द ट्यूब इवेपोरेशन अकर्स. जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसी दौरान वो लॉन्ग बड़ा एक टाइम लेता है नीचे आते आते आते, उस दौरान उसकी इवेपोरेशन हो जाती है. अच्छा, द वेपर लिक्विड मिक्सचर ट्रैवल्स डाउन द रिमेनिंग ट्यूब लेंथ
एंड इन टू द वेपर हेड. अब ये वेपर हेड में आ जाता है. द वेपर इज रिमूव्ड थ्रू द टॉप ऑफ द वेपर हेड. ये वेपर हेड है, ये वन नंबर. अच्छा, और व्हाइल द लिक्विड एग्जिट्स आउट द बॉटम, यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है, ये सी, ये जो पॉइंट लिखे हैं एरोस, यहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है. तो वेपर हमारा आउट हो रहा है इधर से, ये जो बी लिखा हुआ है ये वेपर हेड है हमारा, और यहाँ से हमारी प्रोडक्ट या कंसनट्रेट, जिसको हम कंसनट्रेट, जो हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट हो चुका है उसे हम कंसनट्रेट कहते हैं, वो इधर से आउट हो रहा है. बाकी यहाँ से डी में, यहाँ से स्टीम एंटर हुई थी और इधर से स्टीम जब कंडेंस हो जाएगी तो उसका कंडेंसेट इधर से निकल रहा होगा स्टीम का. ये स्टीम का कनेक्शन. लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, ये इसकी यूजेज एग्जांपल्स हैं. इवेपोरेटर्स मे बी यूज्ड इन सीरीज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, मे बी यूज्ड इन सीरीज टू प्रोड्यूस मोर हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इन द क्वांटुपल इफेक्ट. ये जैसे कि नीचे दिखाया गया सिस्टम एज शोन हियर, दी वेपर प्रोडक्ट फ्रॉम ईच इफेक्ट इज यूज्ड टू हीट दी फीड टू द नेक्स्ट इफेक्ट. डेफिनेटली वेपर को ज़ाया नहीं करते हम, वेपर को इस्तेमाल करते हैं अगले इफेक्ट में, ताकि हमारा जो हीट है वेपर के पास वो ज़ाया ना हो, वो आगे इस्तेमाल हो जाए. इस तरह से हम अपनी एनर्जी को कंसर्व कर सकते हैं. और हमारा स्टीम से जो हम हीटिंग कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, ज़्यादातर हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में स्टीम से हीटिंग करते हैं, क्योंकि स्टीम एक चीप सोर्स है हीट करने का, उससे कॉस्ट कम आता है. लेकिन हम स्टीम को भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, स्टीम का भी हमें उसकी भी बचत करनी होती है. तो वेपर जिनके पास एनर्जी है हम उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़ाया नहीं करते. द कंडेंस्ड वेपर इज कलेक्टेड इन द डिस्टिलेट स्ट्रीम. अब देखें यहाँ पे ये हमने अपना मटेरियल एंटर किया इवेपोरेटर में, यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट था वो बन के गया दूसरे इवेपोरेटर में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे यहाँ से हमारा एंड प्रोडक्ट बन के निकला. अब ये जो वेपर निकल रहे थे हमने ये वेपर ज़ाया नहीं किए, ये हमने वेपर इंजेक्ट कर दिए दूसरे के तीसरे में, ये ऐसे हम इसको इस्तेमाल करते रहे वेपर्स को भी, क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है. इंडस्ट्री में इस तरह से दिखते हैं. अच्छा, अब यूसेज एग्जांपल्स में आप देखें तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स आर यूज्ड हैविली इन द पेपर इंडस्ट्री टू कंसंट्रेट ब्लैक लिक्विड. पेपर इंडस्ट्री में आपको पता है पेपर वुड से बनता है, वुड की हम क्या करते हैं, वुड को हम क्रश कर लेते हैं, फिर हम उस वुड की कुकिंग करते हैं, पकाते हैं लकड़ी को, फिर उसके बाद जो हमारा मिक्सचर बनता है हम उसे कंसंट्रेट कर देते हैं. कंसंट्रेट करके हम फर्दर आगे उसको प्रोसेस करने के बाद फिर हमारा पेपर एंड पे बन के निकलता है. तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन चाहिए होती है हमें, फिर लिक्विड को अलग करना होता है पेपर से, मिक्सचर से. दे आर यूज इन द फूड इंडस्ट्री टू कंडेंस मिल्क, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर. पिक्चर शोन हियर इज अ क्लाइंबिंग फिल्म प्लेट इवेपोरेटर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ हुआ है हमारा क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर. अब आते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर. फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर सच एज दोज शोन हियर, ये वाले ये फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर हैं, आर यूज्ड टू कंसंट्रेट हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो कि ज़्यादा हीट देने से डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट, सच एज फ्रूट जूसेस, उसमें हम ये यूज़ कर रहे होते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर. फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर आर यूज्ड व्हेन डीलिंग विद कोरोसिव सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस दैट टेंड टू फोम, जो झाग बना सकते हैं या जो फोमिंग होती है, तो वहाँ पे भी हम ये फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर को यूज़ करते हैं. अब आ जाए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे. फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एडवांटेज है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर का, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर का पहला
एडवांटेज है, लो कॉस्ट चीपेस्ट इवेपोरेटर पर यूनिट कैपेसिटी। और अगर आपको याद हो तो इसी एडवांटेज की वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इवेपोरेटर है इंडस्ट्री में, कि इसमें लो कॉस्ट लो है ओवरऑल, यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट कैपेसिटी यानी जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप का इवेपोरेटर है। सेकंड पॉइंट इज़ शॉर्ट डाउन टाइम फॉर क्लीनिंग। अच्छा, अब हमें अक्सर इवेपोरेटर्स को जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमें इसको क्लीन करना पड़ता है, इसको क्लीन करके और जो प्रोडक्ट जो कंसनट्रेट है उसको निकालना होता है, उसे ब्लो आउट करना होता है। ये प्रोसेस जो क्लीनिंग का होता है इसे हम कहते हैं डाउन टाइम, यानी वो टाइम जिसमें हमारी प्रोडक्शन तो नहीं हो रही है लेकिन हमारा प्रोडक्ट हम क्लीनिंग के प्रोसेस में होते हैं और अपने इवेपोरेटर को क्लीन कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। ये जो डाउन टाइम है वो शॉर्ट है, ये जल्दी से रेडी हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, दोबारा रेडी हो जाता है जल्दी से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये भी बड़ा एडवांटेज है इसका। बस इवेपोरेटर ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनका डाउन टाइम ज़्यादा होता है। डाउन टाइम मीन्स उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, इफ़िशेंट हीट ट्रांसफ़र है इन इवेपोरेटर्स में। पॉइंट नंबर थ्री इज इफ़िशेंट हीट ट्रांसफ़र एट रीजनेबल टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर क्लाइंबिंग फिल्म एंड एट ऑल टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर फॉलिंग फिल्म। तो दोनों क्लाइंबिंग फिल्म हो या फॉलिंग फिल्म हो जो कि लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स की टाइप्स हैं, इन दोनों में सबसे जो अच्छा इनमें एक पॉइंट है वो ये है कि हीट ट्रांसफ़र में ये बहुत अच्छे हैं, इनकी इनका हीट ट्रांसफ़र बड़ा एफिशिएंट है, एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र है इन दोनों में। फोर्थ एडवांटेज इज लार्जर हीटिंग सरफेस देन अदर इवेपोरेटर, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर लॉन्ग होते हैं तो इसलिए फिर इसमें जो सरफेस हीटिंग सरफेस है ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बड़ा मिलता है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें, रीसर्कुलेशन यूजुअली नेसेसरी इन फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, इसमें हमें रीसर्कुलेशन करनी पड़ रही होती है, जैसे कि आपको पिछली पिक्चर में यहाँ देख भी रहे होंगे, अगर आपको मैं ये देखें ये सर्कुलेशन पंप लगे हुए हैं, ये आपको करनी पड़ रही होती है फॉलिंग फिल्म में रीसर्कुलेशन। अच्छा, पुअर फीड डिस्ट्रीब्यूशन है। फीड डिस्ट्रीब्यूशन पुअर का मतलब है कि फीड बाज़ुकात वो जो फिल्म बनता है इसमें फॉलिंग फिल्म हो या क्लाइंबिंग फिल्म हो वो नहीं बन पाता फिल्म, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फीड का ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। अगर फीड का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो इवेपोरेशन सही नहीं होगी, तो प्रॉपर नहीं होगी इवेपोरेशन, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। नंबर थ्री पॉइंट इज़ इनएफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र एट लो टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस कम है, वैसे तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र होती ही टेम्परेचर ग्रेडियंट पे है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट ट्रांसफ़र उतनी एफिशिएंट होगी, लेकिन अगर हीट ट्रांसफ़र कम है तो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इवेपोरेशन बहुत ही स्लो हो जाएगी, इनएफिशिएंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज अनसुटेबल फॉर सॉल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स। जो लिक्विड आपके फाउल करना करेंगे या स्केल प्रोड्यूस करेंगे, स्केलिंग करेंगे या फाउलिंग करेंगे, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है जिसमें फाउलिंग हो सकती हो या स्केलिंग होगी, नहीं तो फिर हमें ये क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कि उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अब आ जाएं दूसरी टाइप की जो हम बात करना चाह रहे थे, फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर्स की। अगर आप देखें तो फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर्स में भी वही पैटर्न रहेगा, हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी जनरल इंफॉर्मेशन की, फिर हम बात करेंगे इक्विपमेंट डिज़ाइन की, और फिर हम यूसेज एग्जांपल्स देखेंगे फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर्स की, फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन कि फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर क्या होते हैं, व्हाई वी कॉल देम फोर्स्ड सर्कुलेशन एवेपोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर कंटेन अ पंप टू सर्कुलेट फीड थ्रू द एवेपोरेटर। ये पंप होता है, ये फीड को सर्कुलेट करा रहा होता है, और इसीलिए से हम इसको
सर्कुलेशन, अच्छा सर्कुलेशन कराने से एवेपोरेशन बेटर हो जाती है इसमें, आप ये देखेंगे हम आगे इक्विपमेंट डिजाइन में चल के। इन फोर्थ सर्कुलेशन एवेपोरेटर द फीड इज पम्प्ड इनटू द हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर टाइप है, हीट एक्सचेंजर पार्ट है ये हमारे एवेपोरेटर का, जहाँ पे हीट हो रही, जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही होती है। देखें स्टीम जा रही है इसमें, कंडेंसेट आउट हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, तो इसमें ये पम्प फीड को एंटर कराता है। The evaporated mixture then flows into the vapor head, where any entrained liquid strikes the deflector plate, जो कि liquid और vapor को अलग करती है, इसके साथ टकराता है जाके material। The vapor flows out the top of the vapor head, यहाँ से देखिए ये vapor head है, इसमें जब इसमें डिफ्लेक्टर प्लेट लगी होगी और ये जब जाके टकराएगा मटेरियल, तो ये यहाँ पे वेपर अलग हो जाएगा, ये सेपरेट कर रहा है, देखें लिक्विड वेपर मिक्सचर को ये सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेटर है। और हमारा कंसंट्रेट जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इधर से बन के आउट होगा। अच्छा द वेपर फ्लोज आउट ऑफ द टॉप ऑफ द वेपर हेड, यहाँ से आउट हो रहा है, वाइल द लिक्विड इज इधर रिमूव्ड या रिसाइकल। अच्छा ये जो हमारा कंडेंसेट, ये जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट निकल रहा है बन के, बाज़ औक़ात होता है हम इसको वापस सर्कुलेट करा देते हैं। ये जो वापस सर्कुलेशन हो रही है इसकी कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम करा देते हैं ताकि दोबारा और कंसनट्रेट होकर वापस आए। याद हो आपको जो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल एवेपोरेटर्स थे उनमें, चाहे वो क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर हो या फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर हो, यही वाला काम हम क्या कर रहे थे, अलग अलग स्टेजेस दी हुई थी, पहले का जाता था दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे। यहाँ ऐसा नहीं है, इसी का ही निकला हुआ वापस पंप से हम इसी में ही वापस अंदर डाल देते हैं, तो इससे यह होता है कि कंसनट्रेशन बार बार डालने से यह होता है कंसनट्रेशन उसका बढ़ता जाता है। तो इससे ओवरऑल आप समझ लें वही काम जो हम वहाँ तीन या चार स्टेजेस से गुजार के करे थे वो इसी में बार बार घुमा के कर लेते हैं। फोर्थ सर्कुलेशन इवेपोरेटर इक्विपमेंट डिजाइन, इसका इक्विपमेंट डिजाइन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोर्थ सर्कुलेशन इवेपोरेटर इज द सबमर्ज्ड ट्यूब टाइप। सबमर्ज्ड ट्यूब टाइप का मतलब है कि इसके अंदर जो ट्यूब्स होंगी वो उसमें लिक्विड में डूबी हुई होंगी, सबमर्ज्ड होंगी। इन दिस वेपोरेटर्स द हीटिंग एलिमेंट इज बिलो द लिक्विड लेवल, ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट नो बॉइलिंग अकर्स इन द ट्यूब्स, बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए, बस इवेपोरेट करे, बॉयल ना करे, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। द हीटिंग एलिमेंट में भी ओरिएंटेड इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये देखें यहाँ पे ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है ये नंबर वन, ये हमारा हीट एक्सचेंजर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये हीटिंग एलिमेंट है हमारे हीट इवेपोरेटर का, और ये हॉरिजॉन्टली माउंट हुआ है यहाँ पे, ये वर्टिकली भी हो सकता है हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपका डिज़ाइन कैसा है इक्विपमेंट का, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल हेड रूम, अगर आपके पास जगह कम है उसके हिसाब से आप इसको वर्टिकली भी माउंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। इन द डायग्राम बिलो द हीटिंग एलिमेंट आर ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली, ये देखें ये हॉरिजॉन्टली माउंट हुआ गया है। द यूज ऑफ अ पंप इन फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस लिक्विड फ्लो रेट, ये जो पंप है ना, ये वाला पंप, ये फर्स्ट फोर्स सर्कुलेशन पंप, ये नंबर टू, ठीक है, ये सॉरी नंबर टू नहीं, ये नंबर थ्री है, नंबर थ्री सर्कुलेशन पंप, ये इंश्योर करता है कि हमारा फीड दोबारा वापस एवेपोरेटर और उस पूरे प्रोसेस से गुजरता रहे। तो यूज़ ऑफ पंप इन फोर सर्कुलेशन एवेपोरेटर इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस लिक्विड फ्लो रेट, द पंप आल्सो अलाउज फॉर द फिजिकल सेपरेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड वेपर लिक्विड सेपरेशन कॉम्पोनेंट्स विद इन द एवेपोरेटर। The liquid velocity through the evaporator is limited only by the pump. अच्छा, this is unlikely
दिस इज अनलाइकली अदर इवेपोरेटर, दूसरे इवेपोरेटर में ऐसा नहीं होता, इसी इवेपोरेटर में ही ऐसा हो रहा होता है कि हम पंप से वापस वापस भेजते रहते हैं उसको, तो उसे घुमाते रहते हैं, वापस सर्कुलेट कराते रहते हैं. When it is limited by other factors such as amount of evaporation that takes place. अच्छा यूजेज एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम इस टाइप के evaporator की. जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, forced circulation evaporators are used in the mining industry. अच्छा where the solids are concentrated, the one shown below, ये जो the side पे आपको picture दिखाई गई है, is involved in a brine concentration process. तो ये brine की concentration में हम use कर रहे हैं इस evaporator को. तो ये हमारा evaporator forced circulation evaporator है. ठीक है, यहाँ पे pump लगा हुआ है और ये आपका वो portion है जिसमें heating हो रही होती है, और ये भी horizontally mount हुआ है, आप देख रहे हैं ये काफ़ी स्पेस ले रहा है. अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली माउंट करें, बाज का हम वर्टिकली माउंट करते हैं, लेकिन वर्टिकली माउंट करने से भी ये ऊपर की तरफ स्पेस ज़्यादा ले रहा है. तो अगर आपके पास ऊपर की तरफ स्पेस कम है, इधर स्पेस ज़्यादा है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, वन ऑफ द मेन यूजेज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन एज वेल एज अदर इवेपोरेटर्स इज इन क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में हम अक्सर यूज़ करते हैं इसको, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स को. बट they may also be used when corrosive or highly viscous solutions are to be evaporated. वहाँ पे भी जहाँ ज़्यादा viscous और आपको corrosive material से deal करना है, तब वहाँ भी आप इसे use कर सकते हैं. अब हम advantages और disadvantages देखते हैं forced circulation evaporators के. अच्छा, efficiently heat transfer, efficiently transfers heat from steam to liquid. अच्छा, अब इसमें जो heat transfer है वो efficient क्यों है? क्योंकि जो आपका pump है, जब वो आपका liquid को circulate कराता है evaporator में, बार बार circulate कराता है, उस circulation करने से हमारा heat transfer बढ़ जाता है. यानी आप ये समझ लें कि अगर आप बॉयल कर रहे हैं वाटर को, इसमें बीकर में आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, अगर आप स्टरिंग कर देंगे, स्टरिंग में क्या करते हैं आप सर्कुलेशन कर देते हैं उस मिक्सचर को, आप एजिटेट कर दें उस मिक्सचर को, तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो बेटर हो जाएगा. क्योंकि मिक्सचर अगर आप ऐसे ही बॉयल होने देंगे तो वो टाइम लगेगा उसे मिक्सअप होने में. तो ये फोर्स सर्कुलेशन में जो पंप होता है, ये हमारी एक लिहाज से एजिटेशन करा देता है, और इससे हमारे जो हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है. टर्बुलेंट फ्लो में हीट ट्रांसफर अच्छी होती है, इसलिए हमारा जो ये जो टाइप है हीट फोर्स सर्कुलेशन वेपोरेटर का, इसमें एनर्जी, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो एफिशेंट हो जाता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टीन्यूस लिक्विड फ्लो. अच्छा, इसमें डेफिनेटली पंप का काम ही यही होता है कि वो लिक्विड को कॉन्टीन्यूस रखे, उस इंश्योर करता रहे कि लिक्विड उसमें सर्कुलेट कर रहा है. अगर ये करता रहेगा, कॉन्टीन्यूस लिक्विड फ्लो होता रहेगा, तो उससे भी हमारा इवेपोरेशन बेटर हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लो अमाउंट ऑफ साल्टिंग, स्केलिंग एंड फाउलिंग. ये इसमें साल्टिंग, स्केलिंग और फाउलिंग इसलिए नहीं होती कि जाहिर बात है जो आपका पंप है वो सर्कुलेशन करा रहा है. सर्कुलेशन कराने से मटेरियल को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो हमारे सरफेस के ऊपर सेटल डाउन हो जाए या डिपॉजिट कर जाए. साल्ट डिपॉजिट हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी तक एनर्जी से वो सर्कुलेट कर रहा होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं मिलता कि वहाँ सेटल डाउन हो जाए. तो इसलिए इसमें स्केलिंग नहीं होती. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अगर आपको याद हो तो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल एवेपोरेटर्स में जो दो टाइप्स थी, फॉलिंग फिल्म और क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स की, उनमें दोनों में ये फाउलिंग और स्केलिंग वाला इशू आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्कुलेशन, फोर्स्ड सर्कुलेशन नहीं हो रही. यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन होने की वजह से हमारे लिक्विड को, वो जो भी लिक्विड जिसमें जिसे हम एवेपोरेट करा रहे हैं,
उसको टाइम ही नहीं मिलता कि उसमें जो सॉल्ट है या कोई ऐसा मटेरियल है वो फाउल हो जाए, वो डिपॉजिट हो जाए वहाँ पे, उसको सेटल डाउन होने का टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर। इसमें पावर नेसेसरी फॉर सर्कुलेटिंग पंप। अच्छा, अब जो सर्कुलेटिंग पंप है हमारा, जो कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, मैक्सिमम केसेस में सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है, ये जो पंप है हमारा, इसको हमें पावर देनी पड़ती है। यानी अगर आप लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स की बात करें जिसमें क्लाइंबिंग फिल्म और फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर थे, उनमें हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ता था। यहाँ पे देना पड़ेगा, किसको देना है, पंप को देना है। अगर पंप को एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी एक्स्ट्रा, तभी वो काम करेगा ना। तो ये ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उस पर थोड़ा सा आप समझ लें, उसमें ये ऐड हो जाती है, पावर की कॉस्ट ऐड हो जाती है। अच्छा, ये इवेपोरेटर दीज आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स के, जो कि हमारी क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स थे। अच्छा, वो क्योंकि चीप थे, उसमें यूनिट पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट जो थी वो भी कम थी। तो यहाँ पे क्या है कि ये ओवरऑल जो हमारा इवेपोरेटर है ये महंगा है, ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसका एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर्स, फॉलिंग फिल्म एंड क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के, ये एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, नंबर थ्री पॉइंट डिसएडवांटेज इज रिलेटिवली हाई होल्डअप और रेजिडेंस टाइम। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें ना टाइम काफ़ी लेता है ये इवेपोरेटर खास तौर पे। होल्डअप एंड रेजिडेंस टाइम का मतलब है कि जो चीज़ हम, फॉर एग्जांपल अगर हम इवेपोरेटर करा रहे हैं, इवेपोरेट करा रहे हैं मिक्सचर को, तो ओवरऑल जो वो पूरा प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा फॉलिंग फिल्म और क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, जो कि लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर की टाइप्स हैं, उसमें जो टाइम होता है उसके मुकाबले में यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। ये इवेपोरेटर्स पे हमने बात की है, ये यहाँ पे हमारी इवेपोरेटर्स पे बात ख़त्म हो गई है, और अब हम नेक्स्ट वीक एक और नए यूनिट ऑपरेशन पे बात करेंगे, जो कि ड्राइंग ऑफ प्रोसेस मटेरियल्स पे है। यानी ड्राइंग का जो यूनिट ऑपरेशन है हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो विज़िट करके इस वीडियो लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये इस वीडियो लेक्चर की MP3 ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इवेपोरेटर्स की फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, तो रिचर्डसन एंड कूलसन के वॉल्यूम 2 में इसकी बहुत अच्छी डिटेल्स दी हुई है, वो भी मैं फर्दर उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन सा चैप्टर और कौन से पेज पर आपको ये मिल जाएगा। और ख्याल रहे कि ये जितनी भी बुक्स हैं जिनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, ये बुक्स मैं आपको ऑलरेडी ये मैं आपको ईमेल कर चुका हूँ, और वो आपके पास उम्मीद है कि मौजूद होंगी। अगर नहीं है तो वो भी आप गूगल क्लासरूम में, मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ है क्लासरूम फोल्डर, उसमें वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव लाइव्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।